नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मोक्स में। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट के बिटकॉइन के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं। हम सभी मोबाइल तो यूज़ करते ही है, कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए हम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स, सभी लोग अलग अलग ब्राउज़र यूज़ करते हैं। लेकिन ये ब्राउज़र आपको इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन निकाल के देते हैं, इसके अलावा कोई अर्निंग का ऑप्शन नहीं देते। अगर आपको इसके जगह पर कोई ऐसा ब्राउज़र मिल जाए जो कि अर्निंग भी दे और साथ में उसमें सारे वो फीचर्स हो जो आपके एग्जिस्टिंग ब्राउज़र के अंदर है, तो कैसा रहेगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसा ही एक ब्राउज़र जिसका नाम है क्रिप्टोटैब ब्राउज़र, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दी है उससे आप जैसे क्लिक करोगे आपको एक पेज खुल जाएगा जिसके अंदर आपको क्रिप्टोटैब ब्राउज़र का प्रो वर्जन डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा, जिसके अंदर आपको सिर्फ 50 रुपये पेड करने हैं। 50 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, एक बार आप उसे पेड करोगे तो लाइफ टाइम के लिए आपके क्रिप्टोटैब ब्राउज़र के अंदर माइनिंग एनेबल हो जाएगी। क्रिप्टोटैब ब्राउज़र की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ में आपको एक VPN भी डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम है CTVPN। CTVPN की लिंक भी आपको उसी पेज के ऊपर मिल जाएगी, वहां से आप CTVPN भी डाउनलोड कर ले। दोनों डाउनलोड करने के बाद में आपने अपना कोई ईमेल आईडी से क्रिप्टोटैब ब्राउज़र के अंदर अपना अकाउंट बना लेना है। बेसिकली ये ब्राउज़र करता क्या है, आपके स्मार्टफोन या आपका कंप्यूटर या लैपटॉप के CPU का पावर यूज़ करके उसको माइनिंग करने के लिए लगाता है, इसे हम क्लाउड माइनिंग भी बोलते हैं। अभी आपने दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है और आप क्रिप्टोटैब ब्राउज़र के डैशबोर्ड में जाइए, वहाँ पर आपको एक ब्लू रंग का बटन दिखेगा जिसमें लिखा हुआ एनेबल माइनिंग, उसे आप क्लिक कीजिए तो आपकी जो बिटकॉइन की माइनिंग है वो एनेबल हो जाएगी। हर 3 घंटे के बाद में आपने ये बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। यहाँ पर एक कैप्चा भी आ सकता है, कभी कभी कैप्चा नहीं भी आएगा, आई एम नॉट रोबोट ये आपको प्रूव करना होता है। हर 3 घंटे के बाद में आपने ये बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी माइनिंग एक्टिवेट हो जाएगी। माइनिंग एक्टिवेट हुई कि नहीं हुई, माइनिंग एनेबल हुई कि नहीं हुई, ये आपको यहाँ पर जो ब्लू लाइन आगे पीछे हो रही है उससे आपको पता लग रहा है। और जो हैश रेट मिल रहा है आपको वो 1500 हैश पर सेकंड की स्पीड आपको माइनिंग की मिल रही है। आप एक ही ईमेल आईडी से, जो आपने ईमेल आईडी से अकाउंट बनाया है क्रिप्टोटैब ब्राउज़र के अंदर, उसी ईमेल आईडी से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइस आप इसके अंदर कनेक्ट करना चाहते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप वही सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप उसके अंदर लॉगिन कीजिए तो सभी डिवाइस का जो CPU का पावर है वो आपको अपने इस माइनिंग प्रोसेस के अंदर मिलेगा और आपकी माइनिंग स्पीड बढ़ जाएगी। जिन लोगों को पता नहीं है कि बिटकॉइन माइनिंग एक्चुअल में होती क्या है, वो मेरी ये वीडियो देख के पता कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। अगर आप अपने एक ही डिवाइस से लॉगिन करके माइनिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको हर 3 घंटे के अंदर 15 से 20 सतोशी आपको मिलेगी। आप उससे ज़्यादा अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इसके रेफर प्रोग्राम के अंदर जाके आप अपनी रेफर लिंक किसी को भेजोगे और वो आपके ये रेफर लिंक के मदद से अकाउंट बना के वो भी माइनिंग करेगा तो उसका आपको 20% आपको उसकी माइनिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। जितनी टीम आपकी ज़्यादा उतना आपको अर्निंग इसमें ज़्यादा होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो मेरी रेफर टीम है वो 23 बंदों की है और उसमें से 7 बंदे अभी एक्टिव है जो कि 24 आवर्स के अंदर उन्होंने माइनिंग बटन को क्लिक किया हुआ है। ये ब्राउज़र आपको सेम क्रोम ब्राउज़र की तरह दिखेगा, इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो क्रोम ब्राउज़र के अंदर है, लेकिन इसमें एक एडिशनल फीचर ये है कि इससे थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं वो भी बिटकॉइन के अंदर। अभी मैं इसकी विड्रॉल प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। अपने माइन किए बिटकॉइन को आपने विड्रॉल करने के लिए यहाँ पर नीचे जो विड्रॉल BTC का बटन दिया हुआ उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। याद रहे कि आपका बिटकॉइन का बैलेंस जो है वो 0.00001 BTC से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आप इसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विड्रॉल BTC के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा बैलेंस यहाँ पर 0.00001 BTC से ऊपर है इसलिए मेरा विड्रॉल यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर मांगा जा रहा है हमारे से बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस और पेमेंट अमाउंट। पेमेंट अमाउंट के अंदर आपने जो भी बिटकॉइन आप विड्रॉल करना चाहते हैं वो यहाँ पर एंटर करना है। बिटकॉइन एड्रेस, बिटकॉइन एड्रेस के लिए आपने ट्रस्ट वॉलेट नाम का एक वॉलेट है उसको आपको डाउनलोड करना होगा, या तो आप और भी कोई बिटकॉइन वॉलेट को भी डाउनलोड करके उसके अंदर अकाउंट बना के उसका वॉलेट एड्रेस आप यहां पर डाल सकते हैं।
मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट का रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो वॉलेट बिल्कुल डिसेंट्रलाइज और सिक्योर है, जिसके अंदर 12 अंक की सिक्योरिटी कीज़ होती है, जो आपके पास होल्ड होने से आप उसके मालिक है और आप कभी भी उसके अंदर से अपना कॉइन विड्रॉल भी कर सकते हैं और उसे एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट से बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पर लाऊँगा। तो यहाँ पर से आपने वॉलेट एड्रेस को कॉपी करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी का बटन, उसके ऊपर क्लिक करके आपने जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा और उसे कॉपी करके आप वहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वॉलेट एड्रेस को डाल के रखा था, इसलिए मुझे पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मेरे वॉलेट एड्रेस सारे एंट्री है। तो आपको यहाँ पर सिंपली पेस्ट करना है वॉलेट एड्रेस को और नीचे अपने अमाउंट लिख देने। तो मैं यहाँ पर अमाउंट लिख देता हूँ, अमाउंट के अंदर मैं यहाँ पर भरूँगा 0.00001001। मैं इतने बिटकॉइन यहाँ पर विड्रॉल करना चाहूँगा। यहाँ पर नीचे आई एम नॉट रॉबोट का कैप्चा दिया हुआ है, इसको हमने क्लिक करके सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व होते ही फिर नीचे विड्रॉल का बटन है, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो जो आपका विड्रॉल है वो कंफर्म हो जाएगा। एक ईमेल आपके ईमेल आईडी के ऊपर जाएगा कि आपने वो विड्रॉल किया हुआ है, ऐसा आपने कंफर्म करना है। कंफर्म होते ही आपका विड्रॉल है कंफर्म हो जाएगा और स्टेटस के अंदर कंफर्म दिखा देगा। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ, पेमेंट हिस्ट्री के अंदर जाके आप देखिए यहाँ पर जो विड्रॉल हमने किया हुआ है यहाँ पर कन्फर्म होकर आ गया है। अभी ये बिटकॉइन हमारे वॉलेट एड्रेस के ऊपर 7 दिन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से क्रिप्टो टैप के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं। मैं अपनी पेमेंट हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ, यह है मेरी पेमेंट हिस्ट्री। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने लास्ट विड्रॉल किया हुआ है संडे को 2 मई 2021 को किया था 0.00001001 BTC का। इससे पहले मैंने सेम 0.00001002 BTC का। जो भी विड्रॉल करता हूँ मैं वो 1000 सतोशी के ऊपर का विड्रॉल करता हूँ मैं, क्योंकि इसका मिनिमम बैलेंस इतना होना चाहिए। तो विड्रॉल जितने भी हैं मुझे सक्सेसफुली मेरे बिटकॉइन एड्रेस के ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। कंटिन्यू 2 साल से ये ब्राउज़र है सबको पे कर रहा है, अभी तक ऐसा एक भी केस नहीं है जिसके अंदर इसने पे आउट नहीं दिया हो। यूट्यूब के ऊपर आप इसकी पॉजिटिव रिव्यू वाली वीडियो ही आपको दिखेगी, नेगेटिव रिव्यू की एक भी वीडियो यहाँ पर अपलोड अभी तक नहीं हुई है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ये सेफ़ है या सेफ़ नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपनी ईमेल आईडी यूज़ करना नहीं चाहते तो कोई दूसरी ईमेल आईडी बना के आप इसके अंदर लॉगिन करके माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपके फ़ोन के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। प्लस इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार क्लिक करने के बाद में, एनेबल माइनिंग क्लिक करने के बाद में, आप अपना इंटरनेट ऑफ़ कर दोगे तब भी चलेगा, आप उस टैब को अपने फ़ोन से हटा दोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनिंग आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। क्योंकि ये क्लाउड माइनिंग है, इसके माइनिंग एक्टिवेट करने के बाद में आपकी बैटरी का कोई भी पावर इसके अंदर कंज्यूम नहीं होता है, यानी कि ये ब्राउज़र बिल्कुल सेफ़ है। आप इसका यूज़ करने से आपका फ़ोन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपकी बैटरी भी कंज्यूम नहीं होगी। तो ब्राउज़र की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हुई है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करें और बिटकॉइन के अंदर अर्निंग करें। अगर कोई भी सवाल है आपको तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अभी टाइम हुआ है थोड़ा हंसने का। किसी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि कभी किसी को छोटा ना समझिए, कभी किसी को छोटा ना समझिए, हज़ारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में स्कूल के अंदर एक आदमी टीचर से कहता है कि मैम मैं बच्चे का पिता हूँ। तो टीचर कहती है कि जी जानती हूँ, कई बार आपको ऑनलाइन क्लास के पीछे झाड़ू लगाते हुए देखा हुआ है। कोरोना का टाइम चल रहा है तो घर में रहिए और हंसते रहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कुछ नया लेकर के, तब तक के दोस्तों हैप्पी अर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।